हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 3 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है कि आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन आपको वर्ड से वर्ड टू याद करवा दिया जाता है। और आपको लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि MSMES को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी। तो बात करें कि याद कैसे होगा दोस्तों, तो हमारे देश का चैंपियन कौन है? प्रधानमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी। तो बात करते हैं दोस्तों, MSMES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। बात करें तो इस MSMES की छोटी छोटी इकाइयों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है इस चैंपियंस प्लेटफार्म को। बात करते हैं रमेश पोखरियाल की दोस्तों, तो रमेश पोखरियाल यानी पोखरा में कौन नहाता है? मानव नहाता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। नरेंद्र में देखिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर में रेन आ रहा है ना, तो रेन मीन्स क्या होता है? बरसात किसके लिए जरूरत होती है? कृषि के लिए। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और बात तो करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह दोस्तों, तो हर्ष मीन्स क्या होता है? खुशी। तो खुशी कब आपको मिलेगी? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम विभाग ने किस तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? तो उस तूफान का क्या नाम है दोस्तों? तो ये तूफान का नाम है निसर्ग। बात करते हैं दोस्तों, ये निसर्ग तूफान फिलहाल लक्षद्वीप के आसपास अरब सागर में मंडरा रहा है। तो इसकी जानकारी दी है मौसम विभाग ने। बात करें दोस्तों अम्फान की, तो अम्फान हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में यह तूफान हाल ही में आया है, जिसको बहुत प्रभावित भी किया है। तो बात करें दोस्तों मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्र मौसम विभाग के महानिदेशक। मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में मौसम विभाग का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो ये किसी योजना को शुरू किया है दोस्तों? तो ये किया है मुद्रा शिशु योजना। बात करें दोस्तों, तो इस योजना के तहत कोई भी अगर छोटा बच्चा भी दुकान खोलने के लिए 50,000 का लोन ले सकता है। तो बात करें दोस्तों, तो इस योजना के तहत तीन प्रकार के लोन दिए जाएंगे। पहला लोन दिया जाएगा शिशु लोन, दूसरा दिया जाएगा दोस्तों किशोर लोन और तीसरा दिया जाएगा तरुण लोन। तो शिशु लोन के तहत दोस्तों 50,000 का लोन दिया जाएगा, 50,000, और किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख। और बात करें तरुण लोन, तो तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो जल जीवन योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। इसके लिए भारत सरकार ने इसको 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत नल लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रोजगार सेतु योजना, तो इसको किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ, तो इसको किसने शुरू किया? तो इसको संचार मंत्री ने शुरू किया है। संचार मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 3 राज्यों के सम्मिलित होने से राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 20। कितने राज्य हो गए हैं? 20। तो बात करें दोस्तों कि 3 नए राज्य कौन सम्मिलित किए गए हैं? तो 3 नए राज्य सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम सम्मिलित किए गए। तो बात करें दोस्तों कि यह योजना क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। बात करें दोस्तों, तो इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी राशन ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24
सीटों के लिए कब मतदान कराने का फैसला किया है, तो ये कब किया है दोस्तों, तो ये किया है 19 जून 2020, 19 जून 2020 को 24 सीटों के लिए मतदान कराने का फैसला किया है। तो बात करते हैं दोस्तों अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है। बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है, और इसकी कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में निर्वाचित हो जाते हैं, एक तिहाई सदस्य। बात करते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो किसने संभाला है दोस्तों, ये संभाला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। बात करें याद कैसे होगा दोस्तों, तो इस्पात में प है, तो प्रदीप में प और प, दो दो प प आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा ऑप्शन आप बैठा सकते हैं कि इस्पात मंत्रालय का सचिव पदभार किसने संभाला है, तो ये संभाला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। बात करें दोस्तों कि इस्पात मंत्री कौन है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान इस्पात मंत्री है, केंद्रीय इस्पात मंत्री। बात करते हैं दोस्तों वेंकट रमनी सुमंत्रन को, तो ये इनको हाल ही में इंडिगो के नया एमडी बनाया गया दोस्तों, इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। और बात करें एस एन राजेश्वरी की, तो एस एन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी बनाया गया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ये 2 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। तब बात करें दोस्तों इसकी 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे तेलंगाना के, तो के चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो बात करें पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो पहले राज्यपाल थे एस एल नरसिम्हन इसके पहले राज्यपाल थे। बात करते हैं दोस्तों कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और इसकी भाषा क्या है, तेलुगु। बात करते हैं 31 मई की, तो 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सी टैप किसने लॉन्च किया है, तो सी टैप किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों WHO ने, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इस हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का अध्यक्ष बनाया गया है। और WHO का मुख्यालय क्या है, तो जिनेवा याद रखिएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं दोस्तों सी टैप, तो इसका फुल फॉर्म भी दे सकता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है COVID-19 टेक्नोलॉजी एस एस पूल। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, COVID-19 टेक्नोलॉजी SS पूल इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने खरीफ की कितनी फसलों पर मूल्य बढ़ा दिया है, तो कितनी फसलों पर बढ़ा दिए, तो 14 फसलों पर केंद्र सरकार ने मूल्य बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। 2 जून की बात करें तो तेलंगाना का स्थापना दिवस 31 मई को मनाया जाता है, तम्बाकू निषेध दिवस 12 यानी एन कितना स्थान पता है, ABCD पढ़ने पर 13 स्थान पता है, एक कम कर दीजिए 12, तो एन से नर्स डे यानी नर्स दिवस को मनाया जाता है, तो 12 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, ये किसने किया दोस्तों, तो ये किया किरण रिजिजू। अब ये क्वेश्चन याद कैसे रहेगा दोस्तों, तो आपको खेल मंत्री याद रखना पड़ेगा कि खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री से खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो ये किरण रिजिजू। तो अब कैसे याद करेंगे दोस्तों खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री, तो कभी भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में खेल का नाम लिया जाता है, तो क्रिकेट का लिया जाता है, क्रिकेट कौन खेल इंडिया में प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या किया जाता है, तो क्रिकेट में किया रहा है कि और क्रिकेट में क्या किया जाता है, रन लिया जाता है, किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं,
याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और बात करें इस क्वेश्चन की, नरेंद्र मेरे ना रहे थे कृषि मंत्री प्रहलाद, प्रहलाद का नाम कभी भी आप सुनते हैं तो दोस्तों ये संस्कृति से संबंधित है। मैंने कहानी बताया था दोस्तों, संस्कृति यानी संस्कृति से मंत्री, संस्कृति मंत्री है और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है। बात करते हैं दोस्तों पिछले प्रश्न का उत्तर, तो पिछले प्रश्न था कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 2019-20 में कितनी है, तो ये कितनी है तो 4.2% है 2019-20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न दोस्तों, तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।